गुप्ता और आप देख रहे हैं द नेटिजंस न्यूज। खबरों के सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों में। शमशादाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदमाशों ने थाना अध्यक्ष शमशादाबाद पर की फायरिंग, बाल बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए मौके से फरार। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए भेजा। एक मोटरसाइकिल, तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद। पकड़े गए बदमाश का पूर्व में रहा आपराधिक इतिहास। आगरा के शमशादाबाद कस्बे के नयाबास रोड स्थित बिजली घर के पास हुई मुठभेड़। आगरा से दानिश खान की रिपोर्ट। बाद की तरफ से एक काली पल्सर पे तीन लड़के आते हुए दिखे, जिनको पुलिस ने चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया। रोकने के बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें एसओ समथाबाद बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसकी पहचान टोनी, जो कि जगदीशपुरा मकटई का रहने वाला है और जिसपे आगरा के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। उस उक्त घायल बदमाश को प्राथमिक इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और भागे हुए बदमाशों के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और अगर आप ऐसी खबरों से जुड़कर अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ द नेटिजंस न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो से पहले आपको समय पर अपडेट मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से पीछे ना रह जाएं।